राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजे का ढाबा में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, नागपुरी तरी पोहा की। बनाना बिल्कुल ही आसान है। इस तरह से बनाए तरी पोहा, और जब भी आपका हल्का फुल्का खाने का जी करे तो बनाएं और खाएं। ये देखिए, हम 250 ग्राम यहाँ पे पोहा लिए हैं मोटा वाला, और यहीं पे हम 250 ग्राम चना भिगो लिए हैं रात भर, और यहीं पे हम लिए हैं एक प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नारियल सूखा कटा हुआ लिए हैं। आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं, और यहीं पे 2-3 कलियां लहसुन को हमने बारीक बारीक काट लिया। इस तरह से इसका सारा का हम पेस्ट बनाएंगे। एक पैन लिए हैं, और पैन में 1 टीस्पून हम सरसों का तेल डाल देते हैं, और इसी में हम जो नारियल दिए थे, लहसुन और प्याज दिए थे, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके हम भून लेंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं, हमें थोड़ा सा क्रंचीनेस खत्म करना होता है, और बाकी इसको हम ठंडा करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। उसी पैन में हम सरसों का तेल डाल देते हैं लगभग 3 टेबल स्पून के करीब, और देखिए हमने प्याज कटा हुआ लिया है 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक हम टमाटर लिए हैं। तड़के में थोड़ा सरसों दिए हैं, 4-5 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा कढ़ी पत्ता दिए हैं, और हींग लिए हैं 2-3 पिंच। इसमें हम तड़का डालेंगे। सरसों काला पीला कोई भी दे सकते हैं, 1/2 टीस्पून है ये। मसाले में हमने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्चा है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून एक किचन किंग है, आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। इधर देखिए हमारा सरसों का तेल गर्म हो गया है, तो हमने तड़का दिया था, ये सारा हम इसमें डाल देते हैं। इस तरफ साउथ की तरफ जितना भी आप तड़का देखिएगा तो सेम इसी तरह से तड़का मारा जाता है, और इसी में जो हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज काट रखा था उसको भी यहीं पर हम डाल देते हैं, और उसको भी भून लेंगे। इधर हमारा ये प्याज ठंडा हो गया तो इसका हम पेस्ट बना देते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया है, और हम थोड़ा सा प्याज भूने हैं, ज़्यादा प्याज को भूनना नहीं है। थोड़ा सा भूनने के बाद हम यहीं पे डाल देते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था नारियल का, प्याज का, लहसुन का, और यहीं पे सारे हम मसाले भी डाल देते हैं, और इसको हम भून लेंगे गैस का फ्लेम लो रख के। और यहीं पर जो हमने चना ये दिया है रात भर भिंगो के इसको धो दिया था, ये चाहे तो आप चना को एक 1-2 सीटी लगा के कुकर में भी डाल सकते, कुकर में भी 1-2 सीटी लगवा सकते हैं, और नहीं तो इसमें आप पानी डाल के और 2-3 मिनट ज़्यादा पका लेंगे तो भी आपका ये काला चना बढ़िया से पक जाएगा। ये हमारा तरी बन रहा है, पोहा भी हमारा अलग है। अब देखिए हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिए हैं क्योंकि हमारे चना भी पकाना है, और यहीं पर स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, और इसको गैस का फ्लेम लो करके ढक के हम पका लेंगे। तो यहीं पे हम जब वहाँ पे लोग नागपुर में बनाते हैं तो ऐसे टमाटर को 3-4 टुकड़ों में एक टमाटर को काट देते हैं और तरी के ऊपर डाल देते हैं इसको, और इसको ढक के हम पका लेंगे जब तक चना भी पक जाएगा हमारा और टमाटर भी पक जाएगा। तो हम इसको 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। इधर हमारे पोहा लिए थे उसको हम पोहा को 2-3 पानी धो लेंगे, और जल्दी जल्दी पानी धोएंगे, और पानी उसका जल्दी जैसे स्ट्रेनर में निकाल देंगे, और स्ट्रेनर में निकाल कर रख देंगे उसको ताकि हमारा पोहा ज़्यादा फूले नहीं। इधर हमें कढ़ाई दिए हैं, हमारा इधर तरी तैयार हो रहा है, पोहा को भी हम तैयार कर देते हैं। तो यहीं पर हम 1 टेबल स्पून डाल देते हैं सरसों का तेल, उसके तड़के के लिए 1 हरी मिर्चा, 1 लाल मिर्चा, और 1/8 टीस्पून जीरा, और 2 पिंच हींग काम दिए हैं। हमारा इधर सरसों का तेल गर्म हो गया तो इसी में हम तड़का डाल देते हैं। ये पोहा के लिए तड़का है, और उधर तरी के लिए हमने तड़का डाला था जो कि तरी हमारा तैयार हो रहा है। यहीं पे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा पोहा हमारा पीला हो जाता है इससे, और यहीं पे हम डालते हैं 2 टेबल स्पून मूँगफली के दाने या 50 ग्राम मूँगफली के दाने, इसी में हम डाल देंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे इसको, और हल्का सा चटकने लगेगा तब हम आगे कुछ डालेंगे इसमें। तो हमारा ये मूंगफली के दाने चटकने लगे हैं तो इसी में हम 1 छोटा सा प्याज काट के डाल देते हैं पोहा के लिए,
और प्याज को हम ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, भूनेंगे नहीं इसको, हमारा पोहे में करंची प्याज होता है। और यहीं पे देखिए कितना खुला खुला ये पोहा है, इस तरह से पोहा इसमें डालना होता है तरी पोहा के लिए। और इसको हम गैस के प्रेशर में इधर लो कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम चला देंगे। इधर हमारा ये पोहा भी तैयार हो गया, उधर हमारी तरी भी तैयार हो गई है। अब इसी को हम मिक्स करके देते हैं तो हम बोलते हैं तरी पोहा इसको। यहीं पे हम कस्तूरी मेथी, ये घर का बनाया हुआ कस्तूरी मेथी है, तो हल्का सा हमें तरी में डाल देते हैं कस्तूरी मेथी भी। आप चाहे धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बढ़िया आएगा, लेकिन ये नागपुर वाले लोग ऐसे ही खाते हैं इसको। अब देखिए हम इसको सर्व करके आपको दिखा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा पोहा निकाल देते हैं एक प्लेट में और इसके ऊपर हम तरी डाल के खाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है, इस तरह से भी आप बना के खाएं और हमें जरूर एक बार जरूर बना के खाएं। और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपने तरी पोहा बनाया कि नहीं, और आपका तरी पोहा कैसा बना। बहुत ही टेस्टी होता है। पहले हम चना डाल देते हैं पोहा के ऊपर, उसके बाद तरी डालते हैं, उसके बाद एक टमाटर डाल देते हैं और बहुत सारा नमकीन डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।